सुबह का अभी 8 बज रहा है। निखिल अपना नाश्ता वगैरह लेकर चला गया और ये बचा हुआ है तो हम सभी करेंगे। और ये देखिए बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, सुबह से तो नहीं हो रही थी लेकिन अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। ये प्यारा प्यारा गेंदे का फूल देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। तो नाश्ता के बाद अभी यहाँ पर चिवड़ा फ्राई करने लगे हैं, सूखा पोहा बना रहे हैं। तो सबसे पहले प्याज मिर्ची और कड़ी पत्ता का तड़का लगाया हमने और यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ चिवड़ा की। अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली हमने पहले ही भून कर निकाल लिया है तो बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा अब नमक डाल देते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में चाय के साथ। तो चलिए इसे भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और इधर मैंने चावल चढ़ाया हुआ है, दाल भी रेडी किया हुआ है, दाल चढ़ाएंगे चूड़ा भून करके। और इधर हमने सब्जी काट कर रखा हुआ है, आलू परवल का भाजा बनेगा, सूखी सब्जी बनेगी। तो ये थोड़ा सा हो गया करेला आलू का भुजिया, 2 करेला बचा हुआ था फ्रिज में तो आलू डालकर एक मैंने भुजिया जैसा कर दिया है। तो चलिए भुजिया निकालते हैं और आलू परवल का भाजा बना लेते हैं, आलू पटल का भाजा। तो ऑयल को रोक करके इसे निकाल लेंगे। अब इधर मसाले के साथ हम आलू परवल को भून लेते हैं। बेसिकली ये सूखी सब्जी बनती है, इसमें सूखे मसाले में जीरा, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और अदरक लहसुन हमने डाला हुआ है। अच्छे से भुनाई करके इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आलू परवल का भाजा भी तैयार हो गया है, थोड़ा सा और भुनेंगे क्योंकि अभी हमने मसाला डाला है। और इधर मैंने दाल के लिए तड़का भी तैयार कर दिया है, प्याज, लहसुन, नमक, टमाटर, सूखी लाल मिर्च। भाजा रेडी हो गया है, निकाल लेंगे ऑयल रोक करके। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया हमने डाल दिया। दाल तड़का हो गया रेडी। हो गया दोपहर का सारा लंच तैयार हो गया। अब सफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। शाम की चाय पी रहे हैं और छत पर से टहल कर आ गए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, बाढ़ बहुत ही तेज़ और ठंडी हवा चल रही है। चाय वगैरह पीकर देखते हैं क्या बना है सब्जी में। तो रोटी के साथ खाने के लिए बनाने लगे हैं आलू गोभी की सब्जी।
हल्दी पाउडर डाल देंगे। गोभी मैंने कट करके रखा हुआ है, गोभी आलू की सब्जी। रोटी बन गया है, बस सब्जी बनाना बाकी है। सब्जी बन जाएगा तो रात का डिनर कंप्लीट हो जाएगा। इधर प्याज और टमाटर काट लेते हैं। इसमें गोभी डाल देंगे। तो नमक डालकर हमने अच्छे से भून लिया है सब्जी को। यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो गया है। और हमें तो ये सब्जी रोटी के साथ भी पसंद है, आलू गोभी की सब्जी और चावल के साथ भी, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर ये सब्जी चावल के साथ ही पसंद आती है। आज मेरा ही मन था कि इसे हम रोटी पर बनाएं, रोटी के साथ खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर सब्जी तो भून गया है, अभी गोभी का सीज़न चला गया है तो गोभी से स्मेल आने लगा है, तो हो सकता है ये लास्ट गोभी बन रहा है हमारे घर में। तो अच्छे से हम भून लेते हैं जिससे कि कोई स्मेल वगैरह ना रहे। सब्जी अच्छा से भुना रहेगा तो फिर पानी कम डालना पड़ेगा इसे पकाने के लिए, और हल्का तरीदार सब्जी बनेगा, रोटी के साथ खाना है। तो चलिए सब्जी भून गया, इसे निकाल करके मसाला भून लेते हैं। प्याज मसाला भून कर इसमें पानी डालकर इसे पकाएंगे, हल्का तरीदार सब्जी बनेगा। सब्जी भूनकर हमने पानी डाल दिया है, इसका ग्रेवी हाफ सूख जाएगा, इसे अब पकने देते हैं ढक करके। रोटी के साथ खाना है तो सब्जी बन जाएगा तो हमारा खाना तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से गैस वैस पोस्ट करके इस पर दूध चढ़ा देंगे दूध गर्म होने के लिए। इसे अब ढक देते हैं, ढककर पकाते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर कंप्लीट होता है, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर कल एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय।